नमस्कार, रागवी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते की मसालेदार सब्जी। ये बनाने में बहुत ही आसान है, बस आप कुछ सिंपल टिप फॉलो करें जो मैंने आगे वीडियो में बताया है। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है लौकी। इसका हमने छिलका निकाल के इसे एक बार धो लिया है। अब हम इसे कीस लेंगे। देखिए, हमने लौकी को ऐसे कीस लिया है। लौकी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इसे निचोड़ना है, क्योंकि जब हम इसके लिए बॉल बनाएंगे, जो कोफ्ता होता है वो बनाएंगे ना, तब हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए जो एक्सेस पानी रहता है लौकी का, वो हम निचोड़ के निकाल लेंगे। आपको क्या करना है, इसे ऐसे हाथ में पकड़िए और ऐसे करके प्रेस करिए। ऐसे प्रेस करने से ना पानी अच्छे से आपका निकल जाएगा। ऐसे प्रेस करते जाइए जब तक इसका पूरा पानी अच्छे से निचोड़ के बाहर ना आ जाए। देखिए, ऐसे देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हमको ऐसे लौकी को निचोड़ के इससे पानी अलग कर लेना है। देखिए, हमने लौकी से पानी अलग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्का सा हमें इसमें नमक डालना है, बस हल्का सा, क्योंकि मसाले में हम नमक डालेंगे इसलिए हमें कम ही डालना है। अब हम इसे पहले अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने इसमें अच्छे से मसाले मिक्स कर लिए हैं। लौकी का कोफ्ता बनाते समय हमेशा दो चीज़ ध्यान रखें, इसका पानी अच्छे से निचोड़ ले पहले तो लौकी का, और बेसन उतना ही डाले जितनी हमें ज़रूरत है। ज़्यादा डालेंगे तो हार्ड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पहले एक चम्मच जितना बेसन ऐसे डाल के मिक्स कर रहे हैं, और फिर उसकी ज़रूरत के हिसाब से फिर हम थोड़ा और डालेंगे। देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि हमारा जो कोफ्ता है ना, वो ज़्यादा हार्ड ना बने। मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, उसमें आपको बनाने में और खाने में दोनों में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इतना सॉफ्ट बनता है ना कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो देखिए, ऐसे करके आपको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार हम बॉल बना के देखेंगे। देखिए, ऐसे करके मेरे को लगता है थोड़ा सा और लगेगा, थोड़ा सा और डालेंगे, ठीक है। हम तो इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। अब तक हमने 3 चम्मच खाने वाले चम्मच के हमने बेसन ले लिया है। देखिए, इसमें बेसन हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा लेंगे और इसे, ये आपके ऊपर है आप कितने बड़ा साइज़ का बना रहे हैं, या आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। इसे बस ऐसे करके हल्का सा आपको हाथ में ऐसे करके, जैसे आप लड्डू बनाते हैं ना, वैसे करके हल्का सा ऐसे कर लीजिए। और ये देखिए, हमारा कोफ्ता बन के तैयार है। अब हम ऐसे ही करके सारे कोफ्ते बना लेंगे। आइए, देखिए, हमने कोफ्ता बना लिया है। अब हम इसे तल लेंगे। देखिए, कोफ्ता तलने के लिए हमने क्या किया है, तेल को मीडियम फ्लेम में रख के गर्म कर लिया है। इसका फ्लेम हम चेंज कर लेंगे, अब इसको लो कर देंगे हम फ्लेम को, और अब हम इसमें कोफ्ता ऐसे करके डाल देंगे। आपको आराम से इसे डाल देना है, एक साथ ज़्यादा मत डालिए, अदरवाइज वो चिपक जाएगा और फिर टूटने लग जाएगा। तो इसे ऐसे करके डाल देंगे। देखिए, अब बीच में ना आप हल्का सा इसे ऐसे करके फ्लिप कर दीजिए, ऐसे पलट लीजिए हल्के हाथों से ऐसे करके। देखिए, हमारा, हमने यहाँ इस पर अच्छे से बेसन डाला था, ये बिल्कुल फूट नहीं रहा है। अब हम इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारा कोफ्ता बनके तैयार हो गया है। देखिए, हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। ऐसी करके फिर हम बाकी बचे कोफ्ते को तल के निकाल लेंगे। कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 4 बड़े प्याज, हमने ऐसे बारीक काट लिया है। इसे हम इसमें ऐसे डाल देंगे।
हम इसमें डालेंगे अदरक। हमने एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था, उसे ऐसे बारीक काट लिया है। और हमने इसमें लिया है लहसुन, लहसुन हमने एक पूरा जो लहसुन आता है वो पूरा लहसुन ले लिया है। यहाँ पे हमने लिया है काली मिर्च, थोड़ा सा दो हरी मिर्च। हमने लिया यहाँ पे जावित्री और दालचीनी, दालचीनी इतनी बड़ी हमने ले ली है। अब हम इसे डाल देंगे। एक चम्मच हमने यहाँ पे जीरा लिया है, तीन हमने यहाँ पे इलायचा लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए हमने मसाला अच्छे से पीस लिया है। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें इसका थोड़ा सा फ्लेम कम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता और हम इसमें अब मसाला डाल देंगे। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और हल्का से एक बार चला लें ताकि ये नीचे बैठे बस। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी, तीन चम्मच धनिया, हमने छोटा चम्मच लिया है धनिया का, और आधा चम्मच हमने यहाँ पे मिर्ची ली है लाल मिर्च, और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम में ही हमें भूनना है, मसाले को हमें मीडियम फ्लेम में ही रख के ही इसे भून लेना है। अगर आपको लगे कि मसाला बैठ रहा है तो आप बीच में हल्का पानी डाल सकते हैं ताकि ये मसाला बैठे ना। देखिए हमारा मसाला आधा भुनने आ गया है। अब हम इसमें दो टमाटर हमने ऐसे कीस लिया है, अब हम इसे डाल देंगे। आप चाहे तो इसे पीस भी सकते हैं। देखिए इसे हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होते तक भून लेंगे। इसका फ्लेम आपको मीडियम से हाई के बीच में आप रख के भून सकते हैं। मसाला बन के तैयार हो गया है। देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालिए। मैंने यहाँ पे एक ग्लास डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर अगर लगे कि मसाला ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो फिर आप थोड़ा और डालें इसमें। देखिए मसाला थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है हमको, तो इसमें हम आधा ग्लास जितना पानी और डाल देंगे। तो हमने यहाँ टोटल 1.5 ग्लास पानी इसमें डाला है और इसे एक बार हमें बॉईल करना है। फिर हम इसमें कोफ्ते का जो हमने बॉल बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे। देखिए हमारा मसाला एक बार अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें कोफ्ता जो हमने बनाया था वो डाल देंगे। कोफ्ता के बॉल्स जो हमने बनाए थे वो डाल देंगे और इसे सिर्फ एक बार इसमें बॉईल करेंगे और उसके बाद हम बंद करके रख देंगे। देखिए अब हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और एक बार ये बॉईल हो चुका है तो अब हम इसे बंद कर देंगे। अच्छे देखिए लौकी के कोफ्ते की मसालेदार सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और जो कोफ्ते होते हैं वो इतने सॉफ्ट बने रहते हैं कि आपके मुंह में जाते ही घुल से जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।